तो धन्यवाद आप सभी का बड़ा क्रेजी के इस वीडियो को देखने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बालाजी के हल्के फुल्के पोटैटो चिप्स के बारे में। ये इतने हल्के हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पोटैटो चिप्स में और जो आप मार्केट से नॉर्मल पोटैटो चिप्स लेते हो जो कि लूज़ में मिलते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये मिलते हैं 5 रुपये के 15 ग्राम। अगर आप बाहर से ज़्यादा अच्छे चिप्स खरीदोगे तो वो शायद आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन इसकी एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह है बालाजी कंपनी से। इसके अंदर चिप्स के साथ साथ बहुत सारी हवा आती है और ये जो चिप्स है वो बाहर जो लूज़ में मिलते हैं उससे थोड़े से मोटे या फिर थोड़े से थिक है, लेकिन टेस्ट में ये चिप्स वैसे ही है। और अभी मैं आपको इसको तोड़ के बताऊँगा कि ये चिप टूटने के बाद कैसे लगते हैं। देखिए ये चिप मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने इन चिप्स को खाया तो मुझे वैसे ही लगा जैसे मैं एक नॉर्मल कोई तो पोटैटो के चिप्स या वेफर्स जो मार्केट में लूज़ में मिलते हैं वो ही खा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़े से मोटे थे। इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ऑयल जो कि है बहुत कम है। क्रिस्पी तो ये है ही, लिटरली मार्केट में पोटैटो चिप्स या वेफर आते हैं वैसे ही है। यही तो कहा था ना मैंने आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो भी लाइक कीजिए। तरीका है भीख मांगने का।